हाँ, यहाँ पे एसी बहुत तेज़ कर रखा है, तो अब छत के ऊपर जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। यहाँ पे ठंडी बहुत ज़्यादा है और जहाँ नमाज भी नहीं है, फर्श बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है। इससे अच्छा है कि ऊपर जाके नमाज़ पढ़ें छत के ऊपर। अल्लाह रब्बुल आलमीन खैर फरमाए, भलाई करें। ये हरम का बेडरूम है, बेडरूम है मतलब हरम का तहखाना है, और इसके अंदर नमाजें, अभी आजकल तो इन्होंने जानवाजें वगैरह भी नहीं रखी हुई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन खैर फरमाए। यहाँ देखिए कह रहे हैं मुताफ़, आ जाएँ सैन की तरफ देखते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन खैर फरमाए, अल्लाह आसान फरमाए। देखें अल्लाह करें अंदर जाना भी तो अच्छा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन। नहीं, अपन इधर से ही चलेंगे, ये ऊपर जाने का रास्ता है, अपने को नीचे नहीं जाने देगा वो। अरे नीचे का खुला हुआ है बोला, आए देखें। बारक अल्लाह फीकुम, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए कहाँ से कहाँ, कहाँ से कहाँ से घुसने देंगे। बारकल्ला फीकुम, बारकल्ला फीकुम। चलें बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन खैर फरमाए, अल्लाह आसान फरमाए। ये नीचे बेडरूम में उतर रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन खैर फरमाए। हाँ, अब यहाँ पर भी चेकिंग है शायद ना। ये फर्स्ट फ्लोर वाला मकाम है, यहाँ पर भी ये दीवार लगा दी गई है, यहाँ से काबा नज़र आता था पहले, बट अभी नज़र नहीं आ रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन खैर फरमाए। ये जो सामने दीवार नज़र आ रही है, यहाँ से दिखता था नीचे का, वो शायद अभी वहाँ काम चल रहा है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन खैर फरमाए। यहाँ सामने से हल्का सा खुला हुआ है, तो देखते हैं यहाँ से। यहाँ पे पब्लिक बहुत जमा हो गई है, जो जगह दिखाई दे रही है वहाँ से नीचे काबा नज़र आता है। वो देखो सामने वहाँ काबा नज़र आ रहा है, लेकिन वहाँ अभी उतरेंगे इंशाल्लाह थोड़ी देर में, अल्लाह खैर फरमाए, फजर की नमाज़ के बाद इंशाल्लाह। हाँ फरमाया, अंदर दाखिल हो जाते हैं और ऊपर चलते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आसान फरमाए। चले हम ऊपर चला जाए। पन्निया देते हैं, वाहिद वाला इतना वाहिद। अल्लाह हिदायत दे, वाला कर लिया। ओहो अच्छा शेख ना, इसके ऊपर चलते हैं क्या, और सबके ऊपर छत के ऊपर से हो? नहीं नहीं कोई बात नहीं, इंशाल्लाह खैर बिज़्निल्लाह, क्या बताएं बस, अल्लाह खैर फरमाए यार।